नमस्कार, मी महेश रोकडे, उल्हास लाईन बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत। पाहूया ठळक घडामोडी। पावसामुळे विद्युत वाहिनीला शॉक लागून एका 14 वर्षीय मुलाचा मृत्यू झाल्याची घटना उल्हासनगर मध्ये घडली आहे। गोपाळनगर भागातील सी ब्लॉक परिसरात मनीष चव्हाण यांचे कुटुंब हार फूल विकण्याचा व्यवसाय करतात। आज सकाळी हार फूल विकण्याच्या ठिकाणी पाणी कुठून येते हे बघण्यासाठी मनीष शेजारच्या मंदिरात चढला। यावेळी उच्च दबावाच्या विद्युत वाहिन्या या मंदिराच्या टेरेसवरून लोंबकळत होत्या। टेरेसवर पाणी असल्याने विद्युत वाहिनीच्या संपर्कात तो आला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला। महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे या मुलाचा जीव गेल्याचा स्थानिकांनी आरोप केला आहे। दरम्यान या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली आहे। आज जो है सुबह 6 बजे मनीष चव्हाण करके छोकरा था, हार फूल का धंधा करता है। सुबह आया वो कैसे ऊपर चला गया हमको मालूम नहीं। फिर मैंने देखा चप्पल यहाँ देखने से हमको डाउट हुआ, तो फिर मैं ऊपर गया तो लाइट का शॉक लगने से उसका जो है मृत्यु हुआ। और इसके बाद MCP विभाग जो है लाइट विभाग का ये पोल का पूरा वायर मंदिर के ऊपर लटका हुआ है। ये लोग को कितना बार यहाँ बोला गया, एक बार आए थे लोग जो है पोल को खींच के टाइट कर दिए। आज इसके वजह से मंदिर को भी तकलीफ़ है और यहाँ के रहने आने जाने वालों को सबको तकलीफ है। इसके बारे में आपने तकरार की थी? हमारे समाज वालों ने एक बार दिया था कंप्लेन कि एक पोल यहाँ से हटा के वायर हटा दीजिए, लेकिन कोई लोग नहीं आया देखने। एक बार आए तो इसको खंभे को टाइट करके सीधा कर दिए। ये खंभा पूरा झुका हुआ है। लापरवाही किसकी है? ये लाइट विभाग की लापरवाही है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाए और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।